मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि चुनाव का एक माहौल जो था वो अब आ चुका है, लोगों का पर्चा भरने का जो काम जारी है, आज आखिरी दिन है पर्चा भरने का। तो पर्चा आज भरा गया, कल जैसे जितेंद्र अवार्ड जो एनसीपी के एक 10 साल से यहाँ पर है और वापस उन्होंने पर्चा भरा है, उसी तरीके से गुंजन सेठ जो है एमआईएम से उन्होंने भी पर्चा भरा है। अभी एक नया नाम जो है आज सामने उभर के आ रहा है, दीपाली सैयद जो है एक मराठी फिल्म के जो है वो हीरोइन है और उनको काफ़ी लोग जानते हैं। अगर ये समझो शिवसेना की तरफ से अगर ये दीपाली सैयद ने अगर आज पर्चा भरा तो ये चुनाव जो है बहुत अहम हो जाएगा और बहुत ये जो है एक कांटे की टक्कर हो जाएगी, जिसे कहा जाता है कि ये जितेंद्र अवार्ड के लिए जो है एक बहुत मुश्किल भरी जो है एक घड़ी हो जाएगी। ये जो है चुनाव बहुत एक देखने जैसा दिलचस्प हो जाएगा चुनाव देखने के लिए। इसी तरीके से कुर्ला से नसीम खान ने भी जो पर्चा भरा है अपना कांग्रेस से, और यहाँ पर जो है भिमंडी में भी कांग्रेस की तरफ से पर्चा भरा गया है। पर्चा जरूर भरा गया है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस चुनाव के दौरान जो है कि अभी तक आपको जरूरत जो थी वो अपने नेताओं की थी। आप उनके ऑफिस पे उनके दर पे जाते थे और आपका काम होता था या नहीं होता था ये आप बेहतर जानते हो। अब जो है ये चुनाव के दौरान जो है इन नेताओं की आपकी जरूरत है, जो आपका वोट है ये बहुत एक कीमत रखता है, बहुत अहम है ये वोट, आपकी एक ताकत है, आपका एक हक है ये वोट। तो अब जो है नेता आपके दरवाजे पे आपके गली में आपके शहर में आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आपसे इतनी हमदर्दी दिखाएंगे कि जैसे कि इन्होंने पूरी साल जो है पूरा 5 साल सिर्फ आपको ही इन्होंने देखभाल किया, इस तरीके से हमदर्दी दिखाएंगे, अपने घर का एक सदस्य बताएंगे आपको। लेकिन ये आपको देखना है, ये यहाँ इस वक्त जो है ना कोई धर्म का ना कोई जात का यहाँ पर कोई डर नहीं है। अगर डर है तो इन नेताओं को अपनी कुर्सी का डर है, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। तो अपना वोट जो है ये बहुत सोच समझ कर जो है डालिएगा, क्योंकि ये आपकी ताकत और आपका ये भविष्य बदली कर सकता है। 2009 में जब आया था तो यही मुस्कान देखी थी, लेकिन आज तो उन आंखों में ऐसा प्यार देखा कि मेरे इतना खुशनबीर नसीब शायद ही दूसरा कोई। सर अभी कहा जा रहा है अल्लाह का लाखों करम है, लाखों करम कि ये प्यार उस ऊपर वालों ने उमरा के जरिए से मुझे दिया है। मेरे पास है पवार साहब थे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस बड़े महात्मा का। इतने धूप में जब मैं थक गया वो आदमी एक गिलास पानी भी नहीं पी, और एक आदमी हम अपने कार्यकर्ता के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब उन्होंने कर दिया जो एक बाप को अपने बेटे को, मैं बेटा नहीं हूँ मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता के ऊपर कैसे दिलो जान से प्यार करता है हमारा बाप, वो आज उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया। और क्या बोलूं, और कौन लोग थे साथ में? कन्हैया कुमार थे, कन्हैया कुमार वापिस आने वाले हैं रैली लेने, दिग्विजय सिंह का संदेश आया है 13 तारीख को वो रैली लेने आने वाले हैं, और भी बहुत लोग आने वाले। सर ये चुनाव आपका किस मुद्दे के साथ है? डेवलपमेंट के साथ है, और इस देश में जो धार्मिक द्वेष की लड़ाई बहुत मजबूत होती जा रही है उसके खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष शुरू है और शुरू है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।